नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। अमिताभ बच्चन ने निर्देशक प्रकाश मेहरा की कई फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों ने अमिताभ को सुपरस्टार भी बनाया। जंजीर हिट होने के बाद फिल्म जादूगर का ऑफर लेकर भी प्रकाश मेहरा अमिताभ के पास पहुंचे थे, मगर उस वक्त अमिताभ ने जवाब नहीं दिया था। प्रकाश मेहरा को लगा कि अमिताभ स्टार बनने के बाद अब उनकी फिल्म नहीं करना चाहते। बस फिर क्या था, साल 1987 में एक पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में कई बड़ी फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन इस पार्टी की जान थे। हर कोई उस सुपरस्टार के साथ वक्त बिताना चाहता था। प्रकाश मेहरा भी इस पार्टी में थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश मेहरा ने पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो नशा उन पर हावी हो गया। प्रकाश मेहरा अमिताभ के पास पहुंचे और सबके सामने उन पर चीखने लगे। उन्होंने सबके सामने अमिताभ को गुस्सा दिखाया और कहा कि भूल गए, ये मैं ही था जिसने तुम्हें स्टार बनाया, तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका दिया, अब तुम मेरी ही फिल्म में काम करने से आनाकानी कर रहे हो। नशे में धुत प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से कहा। 1987 में ही प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म अनाउंस की थी। अमिताभ ने प्रकाश मेहरा की उस फिल्म में काम करने से मना तो नहीं किया था, लेकिन डेट्स के बारे में उन्होंने प्रकाश मेहरा से कोई बात नहीं की। प्रकाश मेहरा को लगा कि अमिताभ अब उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहते। पार्टी चल ही रही थी। प्रकाश मेहरा ने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली और वो नशा उन पर हावी हो गया। अचानक प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के सामने पहुंच गए और पार्टी में मौजूद फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों के सामने ही वो अमिताभ पर बिगड़ने लगे। प्रकाश मेहरा ने यहाँ तक कह दिया कि भूल गए, ये मैं ही था जिसने तुम्हें स्टार बनाया, तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका दिया। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर की बात कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा की उन बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए प्रकाश मेहरा की बातें सुनते रहे। पार्टी में मौजूद कई लोगों ने मान लिया था कि अब प्रकाश मेहरा की जादूगर कभी नहीं बन पाएगी। अब तो अमिताभ के संग उनके रिश्ते बिगड़ गए। पार्टी खत्म हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। अमिताभ बच्चन भी अपने घर आ गए और उन्होंने सबसे पहले प्रकाश मेहरा के घर फोन मिलाया। इत्तेफाक से फोन प्रकाश मेहरा ने ही उठाया। अब तक प्रकाश मेहरा पर हावी हुआ नशा भी कमजोर पड़ चुका था। अमिताभ ने उनसे कहा, आपको किसने कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिल्म में हूँ, ये बात आप जान लीजिए। ये पूरा किस्सा IMDB की एक रिपोर्ट में बताया गया है। जादूगर फिल्म को रिलीज हुए 36 साल पूरे हो गए हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 अगस्त 1989 के दिन। अमिताभ बच्चन के साथ ये प्रकाश मेहरा की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में प्राण साहब और राम सेठी ने भी काम किया था और उन दोनों की भी ये प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में जादूगर बने हैं। प्रकाश मेहरा इस फिल्म के लिए इंटरनेशनली अक्लेम्ड जादूगर डेविड कॉपरफील्ड को भी लेना चाहते थे। वो उन्हें अमिताभ का बॉडी डबल बनाना चाहते थे। डेविड ने इस फिल्म में काम करने की दिलचस्पी दिखाई तो थी, लेकिन उन्होंने जो फीस मांगी वो प्रकाश मेहरा ने चुकाने से इनकार कर दिया। यूं इस तरह डेविड कॉपरफील्ड इस फिल्म का हिस्सा ना बन सके। ये फिल्म जब कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के बीच एक तगड़ा पंगा हो गया था। मामला कुछ यूं था कि प्रकाश मेहरा को नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन उसी समय मनमोहन देसाई की फिल्म तूफान में भी काम कर रहे हैं और उसमें भी वो जादूगर ही बने हैं। तूफान को मनमोहन देसाई के पुत्र केतन देसाई डायरेक्ट कर रहे थे। प्रकाश मेहरा को जब तूफान के अमिताभ के किरदार का पता चला तो वो बहुत नाराज हुए।
उन्होंने अमिताभ से जब इस बारे में बात की तो अमिताभ ने कहा कि तूफान में उनका किरदार एक स्ट्रीट मैजिशियन का है, लेकिन जादूगर में वो एक प्रोफेशनल जादूगर बने हैं। दोनों किरदारों में फर्क है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से 2 सप्ताह का समय देने के लिए कहा ताकि फिल्म में कुछ बदलाव किया जा सके, लेकिन अमिताभ ने इनकार कर दिया। मजबूरी में प्रकाश मेहरा को जादूगर वैसी ही रिलीज करनी पड़ी और फिल्म फ्लॉप हो गई। वैसे तूफान, जो कि जादूगर से 2 सप्ताह पहले ही रिलीज हुई थी, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।